एवरीवन, दिस इज़ फातिमा इन योर वैलिड रेसिपी चैनल फातिमा कुज़ीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत ही अच्छी और यूनिक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ, डैट इज़ कैटेगराइज इनटू स्नैक रेसिपी। स्नैक से रिलेटेड रेसिपी है, डैट इज़ क्रिस्पी चिकन स्टफ्ड पोटैटोस बॉल। ये बहुत ही यूनिक और क्रिस्पी मज़ेदार सी रेसिपी है। As all of you know that the winter is coming and the temperature is day by day is change. रात को मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है और धूप होती है सुबह के टाइम, तो बड़ा ही मज़ेदार सा टेम्परेचर चल रहा है। और शुक्र है कि स्मोक जो है वो थोड़ी बेहतर हुई है बारिश की वजह से, काफ़ी जो है वो टेम्परेचर और जो पोल्यूशन है उसका काफ़ी जो है वो बेहतर हुआ है। तो मैंने सोचा कि विंटर आ रहा है आगे, बड़ा ही अच्छा लगता है कि अगर सेकंड टाइम जब एक स्नैक दिल करता है कि लें कुछ क्रिस्पी, कुछ इस तरह का फ्राई स्नैक अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि विंटर तो आ रहा है तो सोचा आप लोगों से थोड़ा स्नैक की रेसिपी भी शेयर कर दी जाए। और ये बहुत ही न्यू और यूनिक रेसिपी है जो कि मैंने आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, और कमेंट कर दें, और इफ़ एनीवन इज़ न्यू सो मोस्ट वेलकम इन दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इतनी एफर्ट करती हूँ डेली आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आती हूँ। वीकली आपको पता ही है कि सारा काम होता है, वीडियो बनाना, एडिट करना, और काफ़ी आपको पता ही है ये रेसिपीज़ और काफ़ी टाइम टेकिंग काम है ये चीज़ें ना। तो आप लोगों की थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, थोड़ी सी सपोर्ट में कुछ नहीं आपसे मांग रही, बस ये कह रही हूँ कोई कॉमेंट कर दें अच्छा सा, ताकि मेरी मोटिवेशन हो जाए कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, प्लस आप लाइक कर दें। और अगर कोई न्यू आके वीडियो को देख रहा है तो वो सब्सक्राइब करके जाए। और आपको पता है अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं कि एक बंदा इतनी एफर्ट करके वो सारा डिलीवर कर रहा है और आप उसको कहें वो बिल्कुल ही नहीं कर रहे बॉदर, तो फ़ौरन सब्सक्राइब तो बनता है और लाइक भी बनता है। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी में। सबसे पहले मैंने पील कर लिए थे पोटैटोज़, मैंने ले लिए 500 ग्राम, उसको मैंने पील करके उसको मैंने क्रश कर लिया क्रशर के साथ, ठीक है। उसके बाद मैंने उसका पानी ड्राई कर लिया, क्योंकि अगर पानी रहेगा तो इसके बॉल्स अच्छे नहीं बनेंगे। तो मैंने जितने मेरे ये क्रश हुए थे उसमें से मैंने 1.5 कप निकाल दिए, जो कि मैंने कवरिंग में यूज़ करना है। और जो रिमेनिंग बचे हैं उस पर मैंने स्पाइसेस वगैरह डालनी है। सबसे पहले मैंने एग डाले हैं, उसके बाद मैंने कोरिएंडर ग्रीन डाला, उसके बाद मैं स्पाइसेस में सॉल्ट डाल रही हूँ। ग्रीन चिलीज़ बहुत ही मज़े की लगती हैं अगर इस तरह के स्नैक्स वगैरह में अगर हम यूज़ करते हैं, और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। खाने वगैरह में भी आप ज़्यादातर ग्रीन और ब्लैक पेपर का ज़्यादा यूज़ किया करें, क्योंकि हेल्थ के लिए ये जो स्पाइसेस हैं ये वाली बहुत ही अच्छी होती हैं। रेड चिली इतनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती स्टमक के लिए, लेकिन ग्रीन चिलीज़ तो बहुत ही बेस्ट है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा यूज़ किया, आपने देखा होगा। उसके बाद मैंने क्रश रेड चिलीज़ यूज़ की हैं और ब्लैक पेपर यूज़ की है, और इसके बाद मैं ये चिकन पाउडर जो कि फ़्लेवर को इन्हांस करेगा इसके अंदर जो मैं यूज़ करने लगी हूँ, इसका जो ये एक मिक्सचर सा बन जाएगा, एक मिक्सचर कह सकते हैं पोटैटोज़ का विद द ऑल स्पाइसेस। और इसमें अब हम मज़ेदार सा वो चिकन भी ऐड करेंगे, तो बड़ी अच्छी रेसिपी रेडी होने वाली है, आप देखते जाएं एंड तक। और शुरू में आपने टीज़र भी देख लिया होगा कि कितने अच्छे रेडी हुए हैं, मैंने खोल के भी दिखाए थे आपको कि बड़ा ही क्रिस्पी और अंदर से चिकन के क्यूब्स निकल रहे हैं, बहुत ही अच्छा बना था। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये चीज़ें मिक्स कर ली हैं, चिकन पाउडर और मैंने गार्लिक भी ऐड किया है, गार्लिक पाउडर भी, तो ये मैंने अब मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह मिक्स कर लेना, हाथ से कर लें, स्पैचुला से कर लें, जैसे आपको इजी है उसके साथ मिक्स कर लें, ठीक है। जब ये प्रॉपरली स्पाइसेस जो हैं वो सारी मिक्स हो जाएंगी तो उसके बाद मैं चिकन ऐड कर दूँगी। ये मैंने अब क्यूमन डाल दी है, क्यूमन भी था
सारे स्पाइसेस में, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इस तरह की फ्राई जब चीज़ें होती हैं ना स्नैक्स वगैरह में, ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करें वो बड़े फ्लेवर को बड़ा ही मज़ेदार करते हैं, बड़ा ही अच्छा फ्लेवर बनाते हैं। तो ये चिकन क्यूब्स मैंने ज़रा काफ़ी ज़रा मीडियम साइज़ कर लिए थे, 1 inch का ऑलमोस्ट था। और मैंने अब ये कॉर्नफ्लोर डाल दिया, जो कि एक तो आपस में इसको जोड़ेगा क्योंकि मैंने एग डाला है, प्लस ये कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा क्रिस्प लेकर आएगा। पोटैटोस भी हैं वो भी क्रिस्प लेकर आएंगे जो आउटर कवरिंग मैं करूँगी। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ चिकन प्लस बड़े ही अच्छे स्पाइसेस के साथ जो है ये बहुत ही अच्छा स्नैक रेडी होने वाला है। तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें अगर अभी तक लाइक नहीं किया, और कमेंट कर दें, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। आपका वीडियो को एंड तक देखना मेरी मोटिवेशन है। और मैं डेली कंटेंट लेकर आती हूँ। अब मेरी वीडियो ऑलमोस्ट 5 बजे के बाद लग जाती है, तो आप डेली नोटिफिकेशन, आपको अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता होगा, तो नोटिफिकेशन से आप मेरी वीडियो को वॉच कर लिया करें। या वैसे भी अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी मेरी वीडियोस, ठीक है। तो अब ये मैं अब रैप करने लगी हूँ। मैंने जो 1.5 कप निकाल लिए थे क्रश पोटैटोस, और मैंने उसका वो लेके और अंदर जो बैटर मैंने बनाया हुआ था एक मिक्सचर साथ, जिसमें मैंने चिकन प्लस कॉर्नफ्लोर स्पाइसेस और एग वगैरह डाला था, उसके अंदर मैंने वो मिक्सचर डाल के और इसको कवर कर देना है बड़ा ही जेंटली, बड़े ही केयरफुली आपने उनको जो है वो कवर करना है, ठीक है, ताकि ये खुले ना, खुलेंगे नहीं, लेकिन आपने फिर भी केयरफुली जो है वो उनको कवर करना है। इस तरह मैं 1 by 1 जो है वो सारा करती जा रही हूँ। और ये मेरे मैं थोड़ा सा मिक्सचर भी ले रही हूँ, प्लस वो चिकन का भी एक क्यूब लेके डाल रही हूँ। अगर छोटे क्यूब्स हैं तो आप 2-3 ले सकते हैं, मैंने थोड़ा बड़ा क्यूब डाला था। तो ये मेरे सारे डन हो गए हैं। अब ये फ्राइंग प्रोसेस शुरू होने लगा है। फ्राइंग प्रोसेस में मैंने वही ऑयल ले लिया है, और उसके बाद मैंने बिल्कुल ही लो मीडियम हीट पे मैंने इसको अब फ्राई करना स्टार्ट किया। इस तरह मैं 1 by 1 मैंने सारे बॉल्स को डाल देना है और बिल्कुल ही लो हीट पे, और ये डीप फ्राई होएंगे तो ये अच्छे रेडी होएंगे। तो इस तरह वेरी केयरफुली आपने जब इसको डालना है, ऑयल का भी ध्यान रखना है क्योंकि ऑयल भी ज़्यादा है इसमें, और ज़रा ये ज़रा सेट हो जाए ना तो फिर इसको आपने ज़रा सेट कर लेना उनकी स्पेसिस पे, ठीक है। फ़ौरन ही नहीं चम्मच हिलाने बैठ जाना, ये ज़रा ट्रिकी होती हैं इस तरह की चीज़ें। तो ज़रा ये हल्की से जब इसका हो जाएगा वन साइड थोड़ी सी, ऑलमोस्ट 30 to 45 seconds, तो आपने फिर आप देख लें कि इसकी जगह बना लें अगर और आप डालना चाह रहे हैं बॉल्स। तो इस तरह तो नीचे से हीट आपने नॉर्मल रखनी है। क्यों नॉर्मल रखनी है, जो बाहर के जो पोटैटोज़ हैं वो तो जल्दी फ्राई हो जाएंगे, लेकिन जो अंदर चिकन है ना उसके लिए आपने बिल्कुल ही मीडियम हीट पे करना है, ये ना हो कि अंदर से वो कच्चा रह जाए चिकन। तो आपने बहुत ही केयरफुली इसको फ्राई करने है। और मैंने आपसे बात भी करनी थी कि आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि मैं कौन सी रेसिपी डालूँ रिगार्डिंग कुकिंग, रिगार्डिंग बेकिंग, के नेक्स्ट मेरी रेसिपी कौन सी होनी चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, आपकी जो है वो बताना आपकी वो मेरे लिए एक ऑनर की बात है, कि बिकॉज़ यू आर माय यूट्यूब फैमिली, तो डेट्स वाई आप लोगों का जो बताना है वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल भी हो सकता है। आप टाइमिंग से रिलेटेड भी बता सकते हैं कि मेरी जो वीडियो की टाइमिंग है उससे रिलेटेड भी मैंने थोड़ी सी हेल्प मांगी थी लास्ट वीडियो में भी, तो आप मुझे उसके बारे में भी गाइड करें कि नहीं ये वाला टाइम बेस्ट है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, और रेसिपी के बारे में भी कह सकते हैं कि रेसिपी कैसी बनी, देखने में कैसी लग रही थी। और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो बच्चों की इस तरह की चीज़ें बड़ी फेवरेट होती हैं, जैसे स्नैक्स वगैरह में ये आती हैं ना चीज़ें,
बच्चे जब ये थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा मौसम होता है तो इस तरह की फ्राई चीज़ें गरम गरम जब फ्रेश रेडी होती हैं तो बहुत ही मज़ेदार लगती हैं और दिल करता है कि बंदा खा जाए सारा कुछ। तो इसी तरह ये आगे विंटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आता जा रहा है, तो ये स्नैक की रेसिपी जो है वो बेस्ट रेसिपी है जो कि मैंने आप लोगों से आज शेयर की है। तो इस तरह मेरे वो डन हो गए थे बॉल्स, आप देख सकते हैं मैंने नेक्स्ट बैच डाल दिया बीच में। तो इस तरह ये वो भी बिल्कुल लो हीट पे मेरे फ्राई होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने बहुत ही कम हीट रखी हुई है क्योंकि अगर आप तेज़ करेंगे फिर अंदर से चिकन ठीक आपका रेडी नहीं होगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा जो कि फिर ठीक नहीं है। तो आप चिकन को थोड़ा क्यूब्स छोटे कर लें अगर आपने ज़रा तेज़ हीट पे पकाना है तो। लेकिन मैंने ज़रा चिकन क्यूब बढ़ा रखा था क्योंकि वो ज़रा अच्छा लगता है बीच में चिकन का क्यूब आ जाए, और बच्चे भी बड़ा खुश होते हैं, चिकन लवर होते हैं ज़्यादातर। अब आप फाइनल लुक देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है, सुपर क्रिस्पी विद द कॉम्बिनेशन ऑफ चिली सॉस, कितना अमेजिंग लग रहा है। वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं कल न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।